आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे प्लान लेके आई हूँ जो कि आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वॉकिंग वूमन हो, जो भी हो, आसानी से ग्रो कर सकते और जीरो कॉस्ट जीरो मेंटेनेंस में। नंबर वन में स्नैक प्लांट सेंचेवेरिया, आप किसी भी उगा सकते, इसको वाटर में प्रोपोगेट कर सकते और ये सोइल में भी आसानी से हो जाता है। ये देखिए सुंदर सा एक छोटा सा लीव से भी ग्रो हो जाता है। इसको आप इंडोर प्लांट भी रख सकते और आउटडोर भी रख सकते। इसको आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी इसको ग्रो कर सकते आसानी से। अगर आपने इन सारे प्लांट को एक बार अपने गार्डन में जगह दे दिया तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा ये सारा प्लांट। ये गुड़हल का प्लांट है, इस मानसून में आप लगाइए, आसानी से ग्रो भी हो जाता है, जल्दी से ग्रो हो जाता है। और आपने एक बार इन लोगों को जगह दे दिया अपने गार्डन में तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हर साल आप इन सब प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते। ये देखिए कितना सुंदर है विस्कस है, वाइट में मेरे पास है, चार पांच कलर में, और ये भी पर्पल। आप इसको हैंगिंग भी बना सकते, एक स्टेम से ग्रो हो जाता है। ये सिंगोनियम, मेरे पास दो प्रकार के सिंगोनियम है, ये पानी में भी प्रोपोगेट हो जाता है और ये सोइल में भी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। और ये रहा मेरा एलोवेरा, एलोवेरा तो मस्ट है लगाना हेयर स्किन ओवरऑल हेल्थ के लिए, बहुत ही अच्छा होता है एलोवेरा लगाना। और पॉजिटिविटी भी, जब पॉजिटिविटी भी आप लोग लगा लेते, ये मनी प्लांट भी आप आसानी से ग्रो कर सकते। इस प्रकार से आप पानी में भी एक कटिंग से ग्रो कर सकते आसानी से। अंडर 15 डेज में रूट आना शुरू हो जाता है, इस मानसून में जल्दी से ग्रो हो जाता है। स्पाइडर प्लांट ऐसे प्लांट है, आपको एक बार आपने गार्डन में जगह दे दिया तो आपको कभी निराश नहीं करेगा, कभी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। ये सुंदर सुंदर पत्तिया वाला प्लांट एक कटिंग से ग्रो हो जाता है हिबिस्कस। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर लग रहा है, यहाँ पे भी देखिए। और ये क्राउन वाला प्लांट भी एक कटिंग से ग्रो हो जाता है। आप कलरफुल पत्तिया वाला प्लांट लगाना चाहती है, मस्ट लगाना चाहिए। ये है कोलियस, आप कोलियस को भी लगा सकते। और इस तरह से आप छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते। ये रहा मेरा बगनवेलिया जो कि कटिंग से मानसून में आसानी से ग्रो हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने लगाया है ये रोजेस, आप रोजेस मस्ट ऐड करना। ये मोगरा भी आप गार्डन में ऐड कर सकते। ये मेरा जेरिनियम, इस समय ये जेरिनियम भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते। मशरोस पचुलका सुंदर सुंदर फ्लावर देता है। और आप हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट चाहते हैं तो आप ये मस्ट ऐड करिए अपने गार्डन में, मानसून में बहुत सुंदर फ्लावरिंग होता है इससे। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग हो तो सदाबहार लगाइए, ये हर महीने फ्लावरिंग होता है, पूरे साल फ्लावरिंग होता है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है।